Hello students, good morning to all. In the previous video, we started our chapter, India, Size and Location, chapter number 1. Okay, so हमने ये location and size मैंने आप लोगों को बता दी थी India की. Okay, page number 1 is completed. Today, we start with our page number 2. आ जाइए आप paragraph 3rd पे आ जाइए आप. Okay. स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी आपकी क्लास 9th की थोड़ी सी टफ है ना, लेकिन इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़ते तो आप लोगों को बनेगी नहीं. तो मेक श्योर कि आप जब ये मेरा वीडियो देख रहे हो तब आप एक बार बुक को भी ओपन करके देखो, एंड उसके बाद भी आप एक छोटा सा रिव्यू बुक से ले लेना, सो दैट कि आपके जो भी उसके बाद क्वेश्चन अराइज होते हैं, आपके जो भी डाउट्स निकलते हैं, वो मैं आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ. राइट, so start with paragraph 3rd. Look at the figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of main land is about 30. Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. Okay, figure 1.3 आपका page number 3 में है. आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक मार्क करवाया था कल. यहाँ पे आपका 30 डिग्री आता है, कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों का 30 डिग्री आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. यहाँ पे जब 30 डिग्री पे लैटिट्यूड एक लाइन आती है एंड एक लॉन्गिट्यूड लाइन आती है जो हमारे इंडिया पार्ट को डिवाइड प्रॉपर वे में नहीं करती, बट वो क्या इंडिकेट करती है, दैट हमारा जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है वो एज कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ पार्ट स्मॉलर है. ओके, यहाँ ठीक है. एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो गुजरात है और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर 5 में, यहाँ पे आपका ये गुजरात आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश. तो हमारे जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम लैग है, टाइम लैग मीन्स इन दोनों के बीच का टाइम गैप है, वो 2 आवर्स होता है. ओके, लेकिन अब आप बोलेंगे मैम कि 2 आवर्स तो रहता है, बट हमने ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं किया, बिकॉज जो टाइम अगर यहाँ पे 9 PM गुजरात में हो रहा है तो सेम हमारा कहाँ पे भी होता है, सेम हमारा टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी होता है. वो इसलिए बिकॉज ऑफ हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक ये स्टैंडर्ड मीडियन लाइन है, जो स्टैंडर्ड मीडियम क्या करता है, वो मिर्ज़ापुर के पास से पास होता है, मिर्ज़ापुर के साइड से पास होता है, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम बना देता है पूरे कंट्री के लिए. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स का लैग होने के बाद भी उनका टाइम सेम शो करता है बिकॉज ऑफ दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, द लैंगिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और अगर आप यहाँ से साउथ के नॉर्थ की तरफ जाते हो तो जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड मेरिडियन से होके आगे आगे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो आपका डे और नाइट का भी फर्क आता जाता है. जैसे जैसे और आप पास जाते जाओगे, जैसे जैसे आप इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से दूर जाते जाओगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, आपका डे और नाइट का भी फर्क आपको देखने को मिलेगा. ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड. ओके, द इंडियन लैंडमार्क हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. इंडिया इज साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन है, हमारा जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया का. ओके, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका
वेस्ट और ईस्ट के सेंट्रल पॉइंट में हमारा इंडिया का लैंडमास आता है, और एशिया कॉन्टिनेंट के नीचे मतलब साउथ की तरफ से हमारा इंडिया स्टार्ट होता है, ओके, हमारा इंडिया एक्सटेंड होता है। द ट्रांसिश ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप स्टूडेंट्स, हमारे जो इंडिया का इंडियन ओशियन है, हमारा जो ये ओशियन है, इसके जो रूट्स जाते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, हमारे कंट्री को यूरोप की कंट्री से वेस्ट की तरफ कनेक्ट करते हैं, एंड एशिया की तरफ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को ईस्ट की तरफ से कनेक्ट करते हैं, ओके, जिसके कारण हमें इंडिया की लोकेशन को सेंट्रल पॉइंट मिल जाता है, ओके। नोट दैट अ डिकेन पेनिसुला प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियन, ओके, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद एशियन वेस्ट एशिया। और हमारे जो इंडियन ओशियन है उसका भी कनेक्शन डिकेन पेनिसुला से है, जिसके कारण ही हम इंडिया वाले वेस्ट एशिया से क्लोज कॉन्टैक्ट बना पाते हैं। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ कोस्ट इन ईस्ट, एंड यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हमें दिखाए गए हैं कि हमारे इंडिया के किस किस तरफ से कैसे कनेक्शन है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि डकेन पेनिनसुला रीजन के कारण ही हमारा जो इंडिया है वो इस्टेब्लिश कर पाया है कॉन्टैक्ट वेस्ट एशिया से, और अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न की तरफ अगर हम चले जाएं तो हमारे अफ्रीका और यूरोप से कनेक्शंस हैं, और अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ चले जाएं तो हमारा ईस्ट एशिया से कनेक्शन है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्टल लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ इंडीड। इट इज़ अ इंडियन इमिटेड पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हमारी जो कोस्टल लाइन्स हमारी ये होती हैं, और यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमारे इंडियन ओशियन की जितनी बड़ी कोस्टल लाइन्स हैं उतने बड़ा लैंडमार्क किसी भी कंट्री के ओशियंस का नहीं है, बिकॉज इसीलिए हमने इस ओशियन को इंडियन ओशियन का नाम दिया है, दैट बिकॉज ऑफ दिस बिगर एंड लॉन्ग कोस्टल लाइन्स ऑफ अवर इंडिया फ्रॉम इंडियन ओशियन, ओके स्टूडेंट्स। देन आप आ जाइए पेज टर्न करके पेज नंबर 4 पे। इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मेरिडियन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया का ओशियन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज हमने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाए थे थ्रू हमारे इंडियन ओशियंस, बट हमारे इंडिया के कॉन्टैक्ट्स पूरे वर्ल्ड से इतने ज़्यादा थे, और बहुत पुराने टाइम से हमारे इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हमारे वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं, बट वो कॉन्टैक्ट्स उन्होंने थ्रू किसके बना पाए, लैंड रूट्स के थ्रू। इसलिए सबसे पुराना जो हमारा रूट है कॉन्टैक्ट बनाने का, दैट इज लैंड रूट्स। द प्रीवियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड द पास टू एशियन ट्रैवलर, और हमारे जो एशियन के ट्रैवलर्स थे वो भी किस चीज़ से अट्रैक्ट होके होते थे, और हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ी, हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है हमारे नॉर्थ के तरफ में जो हमारे माउंटेन्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की तरफ, उन माउंटेन्स के कारण। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तक लैंड रूट ही हम इसलिए कनेक्ट हो पाते थे वर्ल्ड से, बिकॉज बहुत टाइम तक हमारे पास काफ़ी सारे टेक्निक्स और टूल्स नहीं थे जिसके कारण हम ओशंस के थ्रू कनेक्ट हो पाए। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ इंडियन कमोडिटीज सिंस एशियन टाइम, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही हमारे पास भी ओशन से रिलेटेड शिप्स एंड ऑल आने लगे, जिसके कारण अब हमारा कॉन्टैक्ट ओशंस के थ्रू भी होने लगे, और फिर हम अपने कुछ आइडियाज़ और कमोडिटीज़ भी चेंज करने लगे। द इंडियाज ऑफ उपनिषद्स एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, एंड फिर हमारे क्या हुआ, फिर हमारे जो न्यूमरल्स हैं
है ना, हमारे जो डेसिमल सिस्टम है, हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं, रामायण एंड उपनिषद्स, पंचतंत्र, ये सब भी हम वर्ल्ड तक पहुंचा सके, है ना, बिकॉज ऑफ हमारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू. डिस्पाइसेस, मुशरिन एंड अदर मर्चेंट्स वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, और हमारे इंडिया की जो स्पाइसेस वगैरह है वो भी और अलग अलग कंट्रीज में जाने लगी. ऑन अदर हैंड, द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्क्रप्चर एंड द एग्रीकल्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड द मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री. और फिर हमारे अच्छे क्लोज कॉन्टैक्ट्स होने के साथ जो वेस्ट एशिया के जो डोम्स एंड एग्रीकल्चर स्टाइल्स थी वो भी हमने अपने कंट्री में लाना स्टार्ट कर दी. ठीक है, अब इंडियाज नेबर्स, इंडियाज ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिकल पोजिशन इन द साउथ एशिया. इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 9 यूनिट टेरिटरीज. क्या बता रहा है इंडिया, हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट हमारे जो इंडिया है वो अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो. ओके, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. अगर हम ईस्ट की तरफ जाके देखें तो हम किससे कनेक्टेड हैं, म्यांमार और बांग्लादेश से. अवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइसलैंड नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स. ठीक है, और अगर हम साउथ की तरफ आके देखें तो हमारा, हम दो और आइसलैंड, हमारी जो कंट्रीज के आइसलैंड हैं दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो भी और दो आइसलैंड से कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड या फिर अब उनके भी दो और नेबर आइसलैंड्स हैं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स. आपको मालदीव्स कहाँ पे देखने के मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड से अगर आप साउथ की तरफ आते हैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा, तो जब आप लक्षद्वीप आइलैंड से मालदीव्स की तरफ आते हैं तो आप लक्षद्वीप आइलैंड से साउथ की तरफ आते हैं तो आपको मालदीव्स आइलैंड मिलता है. ओके, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फ्रॉम बाय द प्लग स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. ठीक है, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया, ड्यू टू रीजंस हमारा जो श्रीलंका था वो इंडिया से सेपरेट हो गया, है ना, हमारा जो श्रीलंका है वो बिकॉज ऑफ कम कनेक्शंस के कारण, उनके साथ हमारे कनेक्शंस नहीं थे तो उनके कारण, नैरो कलेक्शंस चैनल्स के कारण उस सी को हमने इंडिया से अलग करा गया, बट हमारा मालदीव्स आज भी लक्षद्वीप के साउथ में सिचुएटेड है. ठीक है, देन है, इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स. हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वो हमारा जो इंडिया है वो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी काफ़ी सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करता है. जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि अगर आप साउथ वेस्ट की तरफ जाएँ तो आपको पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मिलेगा, है ना, नॉर्थ की तरफ आपको नेपाल भूटान, ईस्ट की तरफ आपको म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये सारे जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे इंडिया नेबरिंग कंट्रीज इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके साथ हमारे कुछ बाउंड्रीज वो इंडिया शेयर करता है. ठीक है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इज योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. तो अगर मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पे, मैंने आप लोगों को एटलस का मतलब बताया था ना कल, जिसमें आपके सारे मैप्स होते हैं. ओके, तो वहाँ पे अगर आप फिजिकल मैप में देखेंगे तो आप वहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि किस तरह से हमारे इंडिया ने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे कैसे बाउंड्रीज शेयर करता है. ओके, देन टर्न द पेज, हियर इज योर एक्सरसाइज पार्ट जो मैं आपका कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी. बट योर होमवर्क इज कि आपको इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और जो भी डाउट आपके आते हैं आप मुझे बता सकते हैं सो दैट मैं वो डाउट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँ. थैंक यू.